नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो सबसे जरूरी बात दोस्तों यह है कि आप लोगों में से किन लोगों ने अभी तक ट्वीट नहीं किया है। तो भाई मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, सारे लोग साथ आ चुके हैं, पूरे YouTube पर जितने भी टीचर हैं वो सब आप लोग के साथ हैं, सारे बच्चे आप लोग के साथ हैं। बस अगर आप लोगों ने अभी तक हैच रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट, हैच जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्वीट या रीट्वीट नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग ट्विटर पर जाइए, ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक ट्वीट आप सब जितने भी रेलवे के छात्र हैं सबकी लाइफ बदल सकता है, एग्जाम डेट आपकी आ सकती है और आपकी परीक्षा हो सकती है। इसलिए मेरा तो आप लोगों से यही कहना है, ट्वीट रीट्वीट एकदम बिल्कुल करते रहें जब तक, ठीक है ना, जब तक है अंदर दम लड़ते रहेंगे हम। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि भाई आप लोग को पता ही होगा 4 मिलियन से भी ज़्यादा आपके ट्वीट हो चुके हैं। अगर आप ट्विटर अकाउंट पर जाकर देखेंगे तो इंडिया में आप लोग का जो है ट्रेंडिंग कर रहा है, आप लोगों के ये दोनों हैशटैग आपके ट्रेंडिंग में है इस टाइम। और मेरा आप लोगों से निवेदन है अगर आपने नहीं किया जाके कर दीजिएगा, ठीक है। तो कैसे ला सकते हैं, रीजनिंग में 30 में से 30 नंबर, क्योंकि आप रेलवे का एग्जाम होगा क्योंकि आपको पता है दुख का समय हो गया समाप्त, 4 मिलियन से भी ज्यादा योद्धा जो है आज ट्विटर पर दिख चुके हैं, अब बहुत जल्द जो है रेलवे एग्जाम डेट दे ही देगा, इसलिए आप लोग पढ़ना भी शुरू कर दीजिए, लड़ते रहें झगड़ते रहें लेकिन मगर पढ़ते जरूर रहें, हारा वही जो लड़ा नहीं, बात बिल्कुल है सही, लेकिन पढ़ाई भी बिल्कुल है जरूरी, क्योंकि एग्जाम डेट आ जाएगी तो क्या कर लोगे। अभी रेलवे ने कह दिया 15 दिन बाद एग्जाम कराएंगे तो वही क्या करोगे, इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। रीजनिंग में दोस्तों वेटेज ज्यादा रहता है, 30 क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को। जरूरी बात एक और दोस्तों, हमने आप लोग के लिए एक नया चैनल बनाया है BSA फैक्ट ज्ञान, जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आप सबसे पहले YouTube पर सर्च करें BSA फैक्ट ज्ञान वीडियोस को, आप चैनल पर विजिट करें और सारी वीडियोस देख लें, ठीक है ना। सपोर्ट करते रहिए, आपका एक सपोर्ट बहुत आगे बढ़ाएगा और आप सबके लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट वहां पर चल कर रहेगा, समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को। जय BSA, जय BSA क्लास। और करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। अंगूर है, अंगूर का बाग है, विस्की है, शराब बनाना है, आसवन करना है, इन पांचों को एक सही ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए और क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए, पहला सवाल है और इसमें सभी शब्दों को आप लोग को सही तरीके से सही क्रम में आपको अरेंज करना है। GD का पेपर सर बहुत अच्छा गया, आगे के जितने पेपर हैं बहुत अच्छे जाएंगे। आवाज आ रही है आप लोगों को, हेलो एवरीवन। चलिए तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले अंगूर का बाग होगा, अंगूर के बाग में अंगूर लगेंगे, अंगूर से बनती है शराब, शराब बनेगी नंबर 3 पर। शराब का जब आसवन किया जाता है, डिस्टिलेशन किया जाता है, तो उसके बाद विस्की बनती है। तो ये पूरा प्रोसेस है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अंगूर के बागों में अंगूर लगेंगे, अंगूर सड़ाने के बाद शराब बनेगी, शराब का आसवन एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद विस्की बनती है। तो पहले आ जाएगा 2, फिर आएगा 1 4 2 1 4 5 3। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 2 1 4 5 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। किलर, BSA गर्ल, अनुराग, अंकुश, भाई बाकी टुस्सी लोग नजर नहीं आ रहा क्लास में जो रेगुलर रहते। आगे बढ़ा जाए,
अब देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। शब्दकोश में कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? अब आप लोगों को बताना दोस्तों कि शब्दकोश में कौन सा शब्द जो है आपका चौथे स्थान पर आएगा। चलिए बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय डियर। तबीयत भाई ठीक है, बस आप लोग का प्यार है, सपोर्ट है तो अब ठीक है। कोशिश कर रहे हैं दोस्तों अब आपकी रेगुलर क्लास कराएंगे, लेकिन बस आप लोग भी जो है क्लास को मिस मत किया करो, जब जब बुलाएं तब तब चले आएं। यस कम इन। देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे सब जगह आपका जाइलो पी कॉमन है। अब यहां पर आपको एच दे रखा है, यहां वाई एस दे रखा है, तो ये तो नंबर चार पे आएगा वाई वाला, बाकी ये एच 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 है। अब एच ए जी यू जी ए, तो पहले जी ए वाला आएगा, फिर जी यू वाला आएगा, फिर यहां पर दोस्तों एच के बाद आई नंबर तीन पर ये हो गया। तो हमें बताने कि नंबर चार पर क्या होगा। नंबर चार पर आपका हो जाएगा ग्राफी वाला। तो यानी कि दोस्तों अगर आपका आंसर सी आ रहा है, मल्होत्रा पंकज, समझ में आ रहा है आपको? सर आई एम न्यू स्टूडेंट इन योर क्लास। ठीक है किलर जी, अब क्या जान लेकर ही मानोगे? नए हो, फूल पत्तियों से भाई स्वागत करो। मैंने पहले बोला था ना, देखिए भाई आपकी क्लास में अगर कोई नया आया, फूल पत्ती गमला फेंक कर आप मार सकते हैं। स्वागत करने का तरीका नया है, जो ना माने फूल पत्तियां पहले स्वागत करें और उसके बाद ही वो कहे नया है नया है तो गमला फेंक के मार दें, उसके बाद वो हमारा पुराना विद्यार्थी हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों में आप लोगों को क्या दिया गया है, इसको देखिए। निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों में एक समूह से तीन से अधिक स्वर आपको नहीं होने चाहिए, तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा इस नियम का पालन नहीं करता? तो किसमें मेरे भाई मेरे दोस्त, किसमें आप लोगों के तीन से ज्यादा स्वर हैं? चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका एक स्वर है, ये दूसरा स्वर है, तो देखिए ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, आप लोगों के पांच स्वर होते हैं, मतलब पांच बॉबल होते हैं। अब आप इसको देखिए, तो यहां पर आपके दो स्वर हो गए ओ ओ आई, यहां तीन हो गए ओ ई आई, यहां पर तीन हो गए। इसमें देखिए आप लोग ओ यू आई ओ, इसमें चार हो गए, तो किसमें आप लोगों के तीन से ज्यादा नहीं है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तीन से अधिक स्वर वाला ये है चार, हो गया ना, इसमें दो है, तीन से कम है, ये तीन है, तीन है, तो तीन से ज्यादा स्वर नहीं होने चाहिए, लेकिन तीन से ज्यादा स्वर आ गए हैं चौथे वाले में। आपको यही बताना है जो इस नियम का पालन नहीं करता। तो तीन से ज्यादा स्वर नहीं होने चाहिए, कौन इस नियम का पालन नहीं करता है? चार। भाई तीन से ज्यादा होगा, वो कह रहा है तीन से ज्यादा नहीं होने चाहिए थे, ये कह रहा है तीन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन तीन से ज्यादा हो गए, इसने नियम का पालन नहीं किया, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक विशिष्ट कूट भाषा में टुगेदर का कोड ये दे रखा है, तो क्या आप बता पाएंगे भाई उसी कूट भाषा में कॉन्जुलेट का कोड क्या होगा? किस तरीके से आप लिख पाएंगे यहां से, कॉन्जुलेट को कैसे लिखेंगे? इस सवाल का जवाब देने के लिए जनाब हम आपको देते हैं 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फटाक से बताना शुरू कर दीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आएगा बिल्कुल सटीक जवाब। आपका समय शुरू हो चुका है अब। नहीं, तीन से कम वाला तो चाहिए था, लेकिन कौन इस नियम का पालन नहीं कर रहा है? ठीक है खंडेलवाल जी, समझ में आ गया। चलिए इसको लगाइए। तो इसका बीएसए गर्ल राहुल, राज, भुगु, ठीक है ना, मल्होत्रा, तो बिल्कुल आप लोग जो है सही बता रहे हैं। टाइम आपका समाप्त हो चुका है, आंसर बी आएगा। कैसे आएगा देखिए, टू गे दर, तो कोड देखिए दोस्तों आपका क्या है। सबसे पहले इसका कोड आपको दे रखा है ई जी टी ओ आर ई टी एच, तो दोस्तों आपका देखिए टू जो है बिल्कुल सीधा उठा कर रख दिया, और इस वाले को इंटरचेंज कर दे जी ई से आपका ई जी कर दिया, ऐसे तो टी एच का तो उठाकर टी एच कर दिया,
लेकिन ई आर का उठाकर इन्होंने आर ई कर दिया। तो इस तरीके से अल्टरनेट मेथड चल रहा है। तो सी ओ को तो उठाकर ऐसे ही लिख देंगे सी ओ, लेकिन एन जी को उठाकर जी एन कर दिया। ऐसे आर ए दोस्तों आपका ये लिखा हुआ है, टी यू को उठाकर इन्होंने यू टी कर दिया, फिर एल ए तो आप लोगों का ये रहा एल ए, लेकिन टी ई को उठाकर ई टी कर दिया। तो ऐसे में आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं भाई, कॉपी पेस्ट ना करो, अपने सवालों के उत्तर स्वयं दो, ठीक है? कोई भी नकल ना करे, सीखना है यहां पर, टीपना नहीं है। आप लोगों में से ज्यादातर लोग टीपते हो, सीखने वाले कम हो, टीपने वाले ज्यादा हो। अगला सवाल देखिए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। चलिए इसको पूरा कीजिए। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग फटाक से इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसमें लॉजिक क्या है आपका, एम बी बी एम ए ए एम बी बी एम ए ए एम बी बी एम, तो इसमें आपका लॉजिक क्या दे रखा है दोस्तों, एम डबल बी है, एम डबल ए है, एम बी बी एम ए ए, तो ठीक है ना? यहाँ पर तो बी बी माँ दोनों ही यहाँ पर साथ में है। और अब आप लोग का आंसर देखना है, फर्स्ट ब्लॉक से एम मिला, सेकंड ब्लॉक से ए है, थर्ड ब्लॉक से बी है, फोर्थ ब्लॉक से ए है एंड फिफ्थ ब्लॉक से एम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम ए बी ए एम। तो जिनका भी आंसर आ रहा है एम ए बी ए एम, बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक में दिए गए विकल्पों में आपको विषम शब्द, विषम अक्षर, विषम संख्या का चयन करना है। तो आइए और आप लोग बताइए आप लोगों का सही जवाब क्या होगा। बताइए देखिए दोस्तों यहां पर आपका क्या है, एफ जी एच आई, ठीक है ना? इसमें लॉजिक क्या है दोस्तों आपका, -1 और एफ के बाद जी एच आई प्लस का 3, यू वी -1 वी यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स प्लस का 3, ओ पी ओ के बाद पी क्यू आर प्लस का 3, फिर के बाद एल एम प्लस 2। तो बाकी सभी में आपका लॉजिक है -1 प्लस का 3, लेकिन फोर्थ वाला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें -1 और प्लस का 2 लॉजिक अप्लाई हो रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एल के एम। हाँ भाई मल्होत्रा, समझ में आ रही बात? सोनिका, माफिया, आरजे, कंचन, जितने भी लोग हैं, अगर आपका आंसर एल के एम आ रहा है, बिल्कुल राइट है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है आपके सामने, इसको देखिए। देखिए दोस्तों गाजर है, पत्ता गोभी, आलू, अदरक, चुकंदर, तो पूरी सब्जी मंडी आपके सामने है और इस सब्जी मार्केट में आपको बताना है सबसे अलग वेजिटेबल कौन सी है। पत्ता गोभी तो नहीं, गाजर तो नहीं, कहीं आलू तो नहीं, या फिर चुकंदर। क्या लगता है आपको कि आपका यहां पर सही जवाब क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। हंसते ही रहोगे, जवाब भी दोगे, आंसर से ज्यादा तो आपके दांत दिख रहे हैं। फटाफट से बताइए दोस्तों यहां से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोगों का राइट आंसर पत्ता गोभी आएगा, क्योंकि पत्ता गोभी जो सब्जी है जमीन से ऊपर होती है और बाकी सभी जमीन के अंदर हैं, और खाने वाला भाग जो है अन्य सभी में तना होता है, चाहे वो गाजर हो, आलू हो और चुकंदर हो, ठीक है ना? तो सबसे अलग आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है कैबेज, पत्ता गोभी जमीन के ऊपर है और बाकी सब जमीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। 18, 34, 36 और 54, अब आप लोगों को दोस्तों बताना है भाई सबसे अलग क्या होगा, विषम संख्या बताइए। फटाफट से आप लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अरे हंस लिया करो थोड़ा सा, कभी कभी हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और पढ़ाई जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से करनी चाहिए। हमारा तरीका बोरिंग नहीं है,
हम आपको पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी, और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। बहुत कम ही होता पढ़ते हुए अच्छा लगना, लेकिन हमारे साथ फुल एंजॉय आएगा। आप लोग बस इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है? और कोई बात बुरी मत मानिएगा। अब भाई 18 दूनी 36 तिया 54, सारे के सारे 18 के मल्टीपल हैं, लेकिन आपका 34 इससे डिवाइड नहीं होगा 18 से, तो सबसे अलग आपका हो जाएगा 34, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है, ये रिश्तेदारी नातेदारी का सवाल है। राम ने अपने दामाद को एक लड़की का परिचय देते हुए कहा कि उसका भाई मेरे बहनोई का इकलौता बेटा है, उस लड़की का भाई मेरे बहनोई का इकलौता बेटा है, तो वह लड़की राम की कौन हुई, ये आप लोगों को बताना है। साली, भांजी, पुत्री या फिर बहन। अब खेल है पुराना, दस्तूर है नया, कैसे लगाएंगे सवाल आइए जानते हैं आज। तो राम ने अपने दामाद को एक लड़की का परिचय कराते हुए कहा, अब ये जो लड़की है वो बोल रहा है उसका भाई, यानी लड़की का भाई, ये हो गया लड़की का भाई, हो गया लड़की का भाई मेरे बहनोई का इकलौता बेटा है, तो ये राम हो गए। राम का बहनोई कौन होगा दोस्तों? राम की बहन का जो पति होगा वो हो गया बहनोई। अब ये बहनोई का इकलौता बेटा है इस लड़की का जो भाई है, तो यानी कि ये लड़की और उसका ये है भाई, ये दोनों बहनोई के ही बेटे हैं। ओके, तो वह लड़की राम की कौन है दोस्तों? अब सिंपल सी बात है, ये राम की बहन की बेटी है, तो यानी कि राम इस लड़की के मामा हो गए। राम कौन हो गए दोस्तों? इस लड़की के मामा हो गए, और ये इसकी भांजी हो गई। तो जो कनेक्शन है मामा और भांजी वाला रिलेशन है, मामा और भांजी वाला रिलेशन है। राम ठहरे इसके मामा और ये ठहरी उसकी भांजी, मामा की भांजी। तो यानी कि दोस्तों वह लड़की राम की कौन होगी? वह लड़की राम की भांजी हो जाएगी। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? जिंदगी तो अजीब है जय धीरन, समझ में आ गया आपको? सोनिका मौर्य, हाँ भाई, किलर सवाल, कैसे हैं? जहरीले हैं, कैसे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना आपको? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कतई घातक सवाल है आपके लिए। कंप्यूटर है, इंटरनेट है और सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, इन तीनों में आपको परफेक्ट वेन डायग्राम के माध्यम से समझाना है। एक तरफ इंटरनेट है, एक तरफ कंप्यूटर है, और तीसरी तरफ है आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए लगाइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? रिश्तेदारों वाला क्वेश्चन सर जी अच्छे से आता है, अच्छी बात है। अब आप इसको बताइए। देखिए दोस्तों क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका इंटरनेट भी आता है, कंप्यूटर भी आता है। कंप्यूटर और इंटरनेट दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये दोनों चीजें कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आती हैं। तो आप लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। अब आपको देखना है ध्यान से, जरा गौर से देखिए सवाल को और बताइए, ये वाला जो चित्र आपको नजर आ रहा है, ये चित्र किसमें आपका इन्वॉल्व है पहले से ही पता लगाइए, ए, बी, सी या फिर डी। भाई बाकी लोग कितने रह गए, फटाफट से क्लास में चले आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए दोस्तों ये वाला जो आपका डिजाइन है, इस तरीके से जो बन रहा है ना, ये सिंपल डिजाइन आपका, देखिए यहां पर इस तरीके से गया, फिर यहां तक गया, फिर ये साइड व्यू, ये आपका जो है आगे वाला व्यू है, और ये बैक साइड, ये चीज ऊपर से इन्होंने कवर कर रखी है, और ये पूरा जो डिजाइन आप लोगों का है इसमें, या फिर आप ये पीछे भी इस तरीके से डिजाइन बन रहा है, और ये इस बॉक्स में भी है। क्लियर है? तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है, अगर आपका आंसरों में से किसी का भी डी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी।
आप व्यूह को पूरा करने के लिए सही आकृति का चयन कीजिए। तो एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करना है। पहले एक ट्रायंगल था, फिर ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल आए, दो ट्रायंगल हो गए, इसमें आपका एक दो तीन ट्रायंगल हो गए। एक सर्किल था, दो सर्किल आ गए, एक के ऊपर तीन सर्किल आ गए। तो एक बॉक्स है, अब की बार आपके दो बॉक्स हो जाएंगे, एक और दो, उसके बाद आपका एक दो और तीन बॉक्स होगा। तो डबल बॉक्स वाला आपका आएगा और वो आएगा हॉरिजेंटल वे में। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सी वाला, एक बॉक्स आपका ये हो गया और दूसरा बॉक्स आपका ये हो गया, तो दो बॉक्स आपके बन रहे हैं सी वाले, क्लियर है? तो जिनका भी आंसर सी है बिल्कुल राइट है। ऑप्शन तो दिखाओ, तो ऑप्शन दिख तो रहे हैं, इसको देखो भाई, लेखक पुस्तक। अब बताओ आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे पुस्तक लिखने का काम होता है लेखक का, पुस्तक को लिखता है लेखक, वैसे ही गीत को लिखता है संगीतकार। जैसे पुस्तक को लिखने का काम लेखक का है, वैसे ही गीत गाने लिखने का जो है वो काम है संगीतकारों का, कंपोजर का। कंपोजर लिखता है सॉन्ग, म्यूजिक। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये दे रखा है पायरिया। पायरिया दांतों से रिलेटेड हो गया, सबको मालूम है ना, पायरिया जो ठहरा आपका दांतों से संबंधित है। एक्जिमा, ये बीमारी किससे रिलेटेड है? फुसफुस, फुसफुस बोलते हैं यहाँ पर लंग्स को, लंग्स हो गए। आई, आंखों से। स्किन, त्वचा से। हार्ट, दिल से। दोस्तों जैसे पायरिया, पायरिया जो है दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीमारी का नाम है, वैसे ही एक्जिमा जो है त्वचा से संबंधित बीमारी है, त्वचा से रिलेटेड जो है क्या बोलते हैं डिसीज है। तो जिनका भी आंसर स्किन आ रहा है बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल 24 से आ रहा है 288, 22 से क्या आएगा, इस सवाल का जवाब बूझो तो जाने। 20 सेकंड आपके पास है, चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि 24 का स्क्वायर होता है 576, और 576 का आधा कर दीजिए, ठीक है ना, 2 × 4, 2 × 8 = 16, 1 × 2 = 16, 288 आ गया। सेम 22, 22 का स्क्वायर होता है 484, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 × 4, 2 × 4 = 8, 2 × 4, तो यहां पर मेरा सही जवाब होगा 242। तो जिनका भी आंसर 242 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, आप लोगों का सही जवाब है 242। पेन कॉपी ना है, है फिर क्या आपके पास? क्यों पांडे जी, पेन कॉपी नहीं है तो यहां पर करने क्या है ये बताओ मुझे। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां खाद नहीं है। अब आपको दो वक्तव्य दे रखे हैं, निष्कर्ष आपका क्या है दोस्तों, कुछ फल खाद नहीं है और कुछ सब्जियां फल हैं। अब आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा दोनों गलत, केवल दूसरा सही, दोनों सही, या केवल पहला सही? चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये आपका आई है और आई को आई में कभी भी चाहे चेंज कर सकते हो। अगर कुछ फल सब्जियां हैं तो कुछ सब्जियां फल होंगी। अब फल खाद नहीं है, ये बात गलत है, तो केवल दूसरा हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है केवल दूसरा, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल दूसरा। कंक्लूजन, सेकेंड इज करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा केवल सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? ऊतक, कोशिका और अंग। अब बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी?
देखिए दोस्तों, यहां पर आपका क्या है, सबसे छोटी होती है कोशिका, कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक यानी कि टिश्यू का निर्माण करती हैं, और जब कई सारे टिश्यू बनते हैं तो एक अंग बनता है, और कई सारे अंगों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें तरीका क्या है, पहले टू, फिर वन, फिर थ्री। तो 2, 1, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने है। कौन सी मद शब्द कोश में तीसरे स्थान पर होगी, ठीक है ना। चलिए बताइए, पेज, पैल, पेयर, पेन। अब आप लोग बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, ये बात मैंने देखी, अधिकतर लड़कियों के पास ही पेन कॉपी नहीं होता, लगता है सारे लोगों ने पेन कॉपी बेचकर अपने मेकअप का सामान खरीद लिया है, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लिया करो भाई, पेन कॉपी संभाल के रखे। ठीक है, अब देखिए आपका क्या है, PAPAPAPA, सब जगह दे रखा है। अब यहां पर जी है, यहां पर एल है, यहाँ आई और आई है, तो ABCDEFG HI। तो जी पहले नंबर पे जी आ गया, फिर एच आई, आई के बाद आर है, यहाँ पर एन है, एन नंबर 2 पर आएगा, आर नंबर 3 पर, ए नंबर 4 पर आ जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, इसको देखिए। तो भाई 20 क्वेश्चन का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा पेयर। नंबर 3 पे आपका क्या आ जाएगा, नंबर 3 पर आपका आ जाएगा पेयर आएगा, क्लियर है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी पेयर, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल बहुत धांसू है, और इस सवाल का जवाब देखते हैं कौन बताएगा। इसको देखिए, टी है, आर है, पी है, एन है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए पहले टी आ गया, अब टी के बाद दोस्तों आपका आर आ रहा है, टी से आर आ रहा है, दो स्टेप पीछे RST, फिर आर से P-2, पी से N-2, तो एन से आपका आ जाएगा N-2, LMNOPQRST। तो लॉजिक क्या है, -2 -2 -2, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल। तो जिनका भी आंसर एल आ रहा है, बिल्कुल राइट है, परफेक्ट आंसर हो जाएगा एल। चलिए गुस्सा मत कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना, मैंने किसी की बेइज्जती नहीं की है, बस आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सवालों के जवाब देते रहिए, क्योंकि आप लोग किसी से कम नहीं हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। DMP, FLN, HKL, JJJ, अगला स्टेप क्या होगा बताइए। तो प्यारे साथियों देखिए, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो दोस्तों यहां पर L आ गया, और L केवल यहीं पर दे रखा है, फिर देखिए M, L M, तो देखिए J K L M, तो यहां पर आ जाएगा I J K L, तो पहले +2 फिर -1, फिर P N L J K L M N O P, तो यहाँ H I J -2 चल रहा है। तो लॉजिक क्या है, +2 -1 -1, ठीक ना, +2 -1 -2, तो जिनका भी आंसर आ रहा है L I H, बिल्कुल राइट होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ठीक है ना। हमने ट्वीट कर दिया है, राहुल चौधरी जी आप लोगों से मेरा निवेदन है, ठीक ना, जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट और RRB, ठीक ना, ग्रुप डी की एग्जाम डेट, ये दो मैंने आप लोगों से कहा था, आप लोग ट्वीट कर दीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है, जिन लोगों को भी BSA से प्यार हो, जो सपोर्ट करते हैं वो जरूर करें। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, 7x - 5y = 20, 12x + 5y = 75 है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा, इसको देखिए। हाँ देखिए, 7x - 5y = 20, 12x + 5y = 75, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, 12 और 7 19x हो गया, 75 और 20 ये 95 हो गया। अब देखिए आप लोग, 19 पंजे 95, तो x बराबर आपका 5 हो गया, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल MBD सर, अब आप ठीक तो हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, बस
दवाई खा रहे हैं और चल रहे हैं। तो बस आप लोग का आप प्यार बना रहे, सपोर्ट बना रहे, तो आगे भी आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लाते रहेंगे। तो एक्स बराबर भाई 5 आ गया है। अब 7 पंजे इधर देखिए, 12 पंजे 60, ये इधर रखा है 5 बाई 75, में से 60 घटाएंगे 15 बचेगा, तो वाई बराबर 3 आ गया। अब एक्स बराबर 5 है, वाई बराबर 3 है, तो एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 15, बिल्कुल राइट है माय डियर दीपक कुमार यादव, आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है भाई 15, यही है सही जवाब। अब बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोग के सामने है, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, और नीचे केवल आप लोग को पूर्व धारणाएं दे रखी है, आप लोगों का जो कथन था वो कथन यहां पर नहीं दे रखा है, केवल पूर्व धारणाएं दे रखी है, कथन सुन लीजिए आप लोग। पहला और दूसरा ये केवल दो एक्सेप्शंस हैं, जबकि कथन है अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उनके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई, ठीक है ना। तो स्वच्छ रहे भारत, स्वच्छ रहे भारत एक अभियान शुरू किया गया कि शहर को साफ रखें, लेकिन अभियान को निवासियों के द्वारा ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई, तो इस बात का मतलब क्या है। नंबर एक, स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते, क्या पहली वाली बात सही है, या नंबर टू, एसोसिएशन अभियान में असफल रही, क्या लगता है, केवल पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही, या दोनों गलत। बताओ कोई। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, तो यहां से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई, केवल दूसरा वाला, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों अब मैं अगर आपकी बात करूं भाई, आप लोगों को अपना घर साफ सुथरा पसंद है ना, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर अपार्टमेंट साफ रहे, तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका घर साफ ना रहे। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है दोस्तों, जो अभियान जो कैंपेन चलाया गया था वो कैंपेन आपका जो है असफल रहा, वो कैंपेन लोगों को जागरूक नहीं कर पाया, इस वजह से काम नहीं हो पाए। तो केवल दूसरी वाली बात सही है, हर कोई चाहता है कि हमारा घर साफ रहे, सुथरा रहे, और हम भी स्वच्छ रहे, हमारा घर भी साफ सुथरा रहे, तो पहली वाली बात तो गलत हो गई, लेकिन दूसरी वाली बात सही है कि जो प्लान था, जो अभियान था, वो अभियान सफल नहीं रहा, असफल हो गया, तो केवल आपका दूसरा वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को मिलकर शेयर कीजिएगा, और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक BSA फैक्ट ज्ञान चैनल पर विजिट नहीं किया है, तो आप आज ही YouTube पर सर्च कीजिएगा BSA फैक्ट ज्ञान चैनल को, और यहाँ पर बहुत ही लेटेस्ट अमेजिंग फैक्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, आप जाकर जरूर देखिएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत मजा आया होगा, काफी पसंद आई होगी, अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो, तो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, और अंत में आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आप लोगों ने अभी तक #RailwayGroupDExamDate ध्यान दीजिएगा, #RailwayGroupDExamDate और JusticeForRailwayStudent, रुकना नहीं चाहिए, ट्वीट रीट्वीट करते रहिए, ट्वीट रुकना नहीं चाहिए, जितने भी लोगों ने अभी तक ट्वीट रीट्वीट नहीं किया है करते रहिए, क्योंकि भाई इंडिया में ट्रेंड कर रहा है आप लोगों का, ये दोनों ही हैशटैग आपके इंडिया में ट्रेंड कर रहे हैं, 4 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं, आप लोगों में से कोई रह गया हो तो जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस भाई इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय BSA क्लास, आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।